दोस्तों मुझे अभी इमीडिएटली भाग के आना पड़ा था, बाकी जो हुआ हम शूट तो नहीं कर पाए, लेकिन आपको बता देते हैं हमारे फ्लोर पे बहुत भयंकर आग लग गई। मैं मीटिंग से भाग के आया हूँ, संभावना तीनों डॉग्स को लेके नीचे उतरी है, पूरी बिल्डिंग वैकेट हो गई। देखो फायर ब्रिगेड की भी आपको आवाज़ आ रही होगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पहला दिन है नवरात्रि का और हम लोग सब अपने घरों में पूजा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं हम। और सुबह सुबह उठ के दोनों तैयार हो गए। मैंने वही पहना, संभावना ने इंडियन पहन लिया है, मुझे इंडियन पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मैंने नॉर्मल कपड़े पहन लिए। क्योंकि मुझे ऐसे पेट निकाल के ऐसे क्यों खड़े हो, ऐसे ऐसे पीछे से हाथ रख के? क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से कैमरा पकड़ा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फटाफट तैयारी शुरू कर दे। ये माता का श्रृंगार है जिसमें सारी चीजें होती हैं, जैसे माता की चूड़ियां, माता के हार, काजल, कंघी, लिपस्टिक, सब कुछ है। और माता अपने आप को देखेंगी भी ना शीशे में, लेकिन पहले तैयार कर दो कुछ चूड़ियां। चूड़ियां कहाँ रख दो? अभी चूड़ियां सामने रख दो, ऐसे रख दो। हाँ। तो मैंने बिंदी लगा दी है माता को, ये वाली, काजल लगा दिया, मैंने पायल रख दी यहाँ पे, माला पहना दी, चूड़ियां रख दी, यहाँ नाक की नथनी थी जो नहीं आ रही थी और मुझे लगता है काजल थोड़ा फैल गया है। काजल मैं बाद में ठीक करूंगी, पहले पूजा कर लूं। लेकिन जो बाकी की चीजें हैं, नेल पेंट वगैरह, तो एकदम फालतू है, ये तो अच्छे नहीं है। बिंदी मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, ये रबड़ है, ये कंघी है, ये छोटा सा और काजल दिया। अब कहते हैं कि माता को यहाँ पे शीशा देना चाहिए ताकि माता अपने को देखे कि कैसी लग रही हो, लेकिन ये शीशा ही टूटा हुआ है तो मैं नहीं रखूंगी। और बाकी ये एक चुनरी सी है छोटी सी जो माता को ढकने के काम आएगी। अरे एक और है बेबी, ये भी माला ही है, पीछे बांधने के लिए कुछ है नहीं, ऐसे रख देती हूँ। ये चुन्नी है लेकिन मुझे लगता है ये बहुत छोटी है, खाली सर ढकने के लिए चाहिए ना। हाँ बस काफी है। ओके ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे गरबा बिठाते हैं घर में, तो सबसे पहले इसको जला के, और गरबा जलाना होता है तो ये सुबह शाम जो भी घर में माता बिठाते हैं, लोग तो 2400 घंटे भी करते हैं, बट मैं सुबह शाम करती हूँ आरती के वक्त। सबसे पहले हम लोग गरबा जला देंगे और इसको हम लोग इसमें ढक देंगे। ये लाए हुए हैं कुछ माता के लिए फूल, ये फूल चढ़ा देंगे। हार लाए हुए भी, क्या लाए हो? हार भी है, फूल भी है, गुलाब भी है, कमल मिला नहीं। ये तो बहुत बड़ी माला है ना, तो पूरे मंदिर पे लगा दो ना। हाँ पूरे मंदिर पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, कौन लगाएगा? मैं तो नहीं लगा पाऊंगी। पकड़ो, मैं लगाऊं? अगर मैं ऐसे रख दूं तो नहीं चलेगा? नहीं, गिर जाएगा। ध्यान से लोटा भी गिर, लोटा पकड़ो पहले। तो तुम वही सारी चीजें ऐसे ही टिका रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा ना। यहाँ पे भी लटक सकती है। बांधोगे किसमें? बांधेंगे इसमें ऐसे। एक गुलाब तो ऐसे ही रखते हैं, और दूसरा, और दूसरा जो है इसकी बुट तोड़ के ना यहाँ पे रखते हैं बप्पा के पास। ये मैं कल मिठाई लेके आई थी यहाँ पे, ये मैं आप प्रसाद के रूप में यहाँ पे रख दूंगी। ये यहाँ पे थोड़े से चावल रख रहे हैं छुट्टे, और ये हमने कर ली आरती की तैयारी पूरी। थोड़े से फूल यहाँ पे भी रख लेती हूँ। मेरा भोलू नहाते कितना क्यूटी क्यूटी लग रहा है। मेरे को लग रहा है तो एक ही बार नहाता है, कुंभ के मेले में नहाते ना एक बार 10 साल में, महीने में एक बार नहला दो, उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ती इसको नहाने की। ये वीला बचा कितने चुदे चुदे लग रहा है, सो रहा था अंदर आराम से, अपना ना मस्ती करता रहता है, अपना छोता है, उठता है, खाता है, फिर छो जाता है। देख रहे बेबी कितना खुश है। अरे वीला बाबा, अरे वीला बाबा, इसका यहाँ गद्दा नहीं है तभी वो आ नहीं रहा बाहर। कॉफी खत्म, ये वाली लास्ट ही है, अभी तो बन जाएगी ना। हाँ अभी तो बना ही दूंगी मैं। ये पता है, तुम पहले कॉफी डाला करो बाद में गर्म पानी, क्यों? उससे अच्छी घुलती है कॉफी और ऊपर झाग भी आता। अच्छा ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं रोज सुबह पीता हूँ ना 5:30 बजे। तुम 5:30 बजे उठ जाते हो? अब उठ रहा हूँ थोड़ा और अर्ली कर दिया टाइम। ओ उससे क्या हो रहा है, रात को सोते हो? पहले ये बताओ। सोता हूँ, काम भी तो बढ़ गया है ना। अच्छा लग रहा है, घर साफ साफ, कोई मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। और आ गया है बेबी का पोहा 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 पोहा। नवरात्रि से पहले अंडा 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 पोहा 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 अंडा 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 अंडा। तुम इतना तड़पते रहे हो पोहे के लिए, अब खाओ पोहा। एक बात बताओ, वेजिटेरियंस के लिए पोहा के अलावा कुछ नाश्ता नहीं?
है दुनिया में? टोस्ट है। टोस्ट दे दो मेरे को। अरे पोहा बन गया है तो अभी क्या भी खाओगे? मेरे से किसी ने पूछा पोहा बनाते हुए? तुमसे पहले पूछा पोहा खाओगे, मैंने कहा अब वो भी पूछोगे तो इसका मतलब तुम खाओगे। आओ बेबी पोहा खाएं। और मैं आपको बता दूं मैं फास्टिंग नहीं कर रही हूं। जो मैं फास्टिंग कर रही हूं, मैं फास्टिंग नहीं कर पाती हूं। जैसे आपने इतना बड़ा चम्मच मुंह में डाला है उसके बाद आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी क्या फास्टिंग कर रही है कि नहीं। वो देखिए क्या कि अगर आप फास्टिंग करेंगी भी तो बहुत फास्ट तोड़ देंगी उसको। मेरे कानों के धीरे धीरे निकल चुके बाहर, इतना सिंपल पहना हुआ था उसके बाद भी देख लो। अब धीरे धीरे सब कुछ उतरेगा। नहीं नहीं अभी कान के ही तो पहने थे, निकाल दिए वो भी। और इस बदन पर चढ़ जाएगा नाइट सूट। तो अविनाश जा रहा है अपने काम के लिए, कितनी देर में आओगे बेबी? 2 घंटे में। तब तक तुम क्या करोगी? मैं थोड़ा सा घर के काम करूंगी, जैसे मछली खेलना और कलर बुक करना। नहीं 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 मैं और भी काम है मेरे पास, करूंगी। जल्दी आ जाओगे? 2 घंटे में आएगा। चलो ठीक है, देखती हूँ अभी क्या क्या काम करने। तो 2 घंटे के कामों में से सबसे पहला काम मैं अपनी कॉफी बनाऊंगी। देखते हैं पहले वो डब्बे लेके आ, तो उसमें देखेंगे कि प्लांट्स वगैरह कौन से में कैसे वाले लगाने। वो एक उल्लू वहां पे पड़ा है तो बाकी वाले 2 और उल्लू हैं, तो उसको देखेंगे कि हम लोग कहां पे कैसे लगा सकते हैं। और अमिता मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है ना, यहाँ ये वाला पर्दा जो है ना, ये भैया ने कुछ टेढ़ा लगाया है, ये ऐसे जा रहा है। ला पर्दे देखते हैं, वो पर्दा टेढ़ा है। लटक कैसे जाएगा? मतलब चिपकाया हुआ है, वो छोड़ दिया है। फिर किसको बोल रही है? ऊपर बोला ये। अच्छा हाँ, ये कह रही है हाँ। तो ये निकल कैसे रहा है? ये भैया ने किया ना उस दिन। हाँ ये चिटका हुआ छोड़ दिया। तो ये हमने अब लाइन बना के यहाँ पे रख दिया, इसको डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ रखना है। इसमें हमारे पास एक तो ये है हमारे पास, तो इसमें हमको सब में प्लांट्स लगाने हैं ना। पौधा किधर से लाएगी? पौधा नीचे से मिलेगा ना, लेकिन पौधा लगाना कौन सा है? अंदर के लिए एक इंडोर यहाँ पे लगा सकते हैं हम। ये अब उल्लू और ये जो गेंडा है ना, ये बाहर ही लगने चाहिए भाई। गायब हो गया मेरा ना एक और मन है अमिता, ये हम लोग काट दे। जो दिखना होता है ना बाहर से, इतनी अच्छी हवा आती है, सब आता है, कुछ भी नहीं दिख पाता है। काट दे हाँ। चल भैया, क्योंकि भैया होगा ना मतलब तो वो करने नहीं देगा हमें। गमले को भी निकालते हैं, गमले को भी नीचे रखते हैं, आसानी से निकल जाएगा। निकल जाएगा हाँ। सब काट डालेंगे आज, ऐसा लग रहा है सब पौधों के बीच में एक और ये पौधा है। तो पहले ये हटाने पड़ेंगे, वैसे ही निकल जाएगा। देख पहले तो आसानी से कट भी रहा है, ये चले गए हम काटने। हटेगा कैसे मेरे को तरीका बताओ अमिता। ये जो इसके साथ बांधे हुए ना हमने, ये कैसे निकलेंगे? ये तो टास्क हो गया। चलिए हट जा, तेरे को लगेगा बेटा। जैसे तैसे करके हमने ये मिलके निकाल दिए हैं, अभी इसको नीचे किया, अब ये हटा रहे हैं हम लोग ताकि हमको व्यू अच्छा मिले। देखो कितना अच्छा व्यू हो गया यार अमिता, कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या किया था हमने, देख पूरा सामने कितना अच्छा समुंदर दिख रहा है यार। हमने ऐसे ये काला वाला लगा के रखा हुआ था, छी मतलब बैठने में भी मजा आएगा। वो देखो सामने बिल्कुल पूरा समुंदर। को रखती हूँ यहाँ पे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देख दूर से देख, लग रहा है ये जो डॉगीज है ना छोटे छोटे, इसके आसपास रख देते हैं ना। पर इसको हम यहाँ रखें, सोच यहाँ, और इसके बगल में उल्लू रखे हैं 2, कैसा लगेगा इधर उधर। फिर मैं अगर इसको यहाँ रखती हूँ, छोटे छोटे उल्लू है ना, तो ये इधर इधर रखे तो कैसा लगता है? एक उल्लू इसके इस साइड में रखते हैं, एक उल्लू यहाँ पे रखते हैं, ये रख देते हैं एज इट इज इधर। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है अगर इसके अंदर प्लांट्स आ जाए तो। और गुल्लक वगैरह, जैसे गुल्लक वगैरह है ना, तो अपने पास 3 है, तो एक रख देती हूँ यहाँ पे। कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। अरे क्यूट लग रहा है कितना, मामीता बोल भी नहीं रही है। 2 छोटी रख देती हूँ यहाँ पे, ये मैं किसी को गिफ्ट कर दूँ क्या? ये तो अभी बालकनी में कहीं सजा देती हूँ, क्या किधर रखूँ? लेकिन ये एक जैसे नहीं है ना, अभी तो ऐसे ही रख देती हूँ, है ना। तो ऐसा करते हैं, ये नीचे वाले को उधर रखते हो, उधर को इधर लेके आते, सेम दिखे। हाँ ये भी कर सकते हो। नहीं नहीं अलग अलग भी अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल सेटिंग हो गई है इसकी, और ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ऐसे। मतलब मुझे बाहर का पूरा व्यू भी दिख रहा है, वो जो व्यू ब्लॉक हुआ हुआ था वो काले नेट से, वो व्यू भी खुल गया। और शाम होते होते तक मैं आपको एक्चुअल दिखाऊंगी कि क्या नजारा है। एंड आई रियली लाइक जो मैं लोनावला से लेके आई हूँ। तो फाइनली मैंने तो अपना काम कर दिया। मैं अविनाश आएगा तो अविनाश से पूछूंगी, आता ही होगा। अगर उल्टा बोला ना मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वाकई बहुत सुंदर लग रहा है, पता है। आई रियली होप अविनाश लाइक्स, मेरे को डांटना पड़ेगा कि वो नेट क्यों निकाल दिया। नेट एक्चुअली हमने लगाया था चिड़िया कबूतर वबूतर के लिए, और थोड़ा सा
सैंडी के लिए लगाया था ताकि वो छोटी सी है ना बीच में से ना निकल जाए, बट वो बहुत काफी होशियार है इस चीज में मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग अपना व्यू क्यों रोके, अगर व्हाइट होता ना वो नेट तो भी अच्छा लगता, लेकिन वो पूरा ब्लैक था यार, पूरा लॉकडाउन उस ब्लैक नेट में निकाल दिया मैंने। क्यों करा ऐसा मैंने, ये अकल मुझे पहले क्यों नहीं आई। खैर देर आए दुरुस्त आए, हो गया काम अपना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, आई एम लाइक वेरी हैप्पी सीइंग दिस। बेटा एक चाय बना दे तो अब मैं चाय पीऊंगी अपनी जगह पे बैठ के। बेटा अदरक की अच्छी चाय दे दे। दोस्तों मुझे अभी इमीडिएटली भाग के आना पड़ा था, बाकी जो हुआ हम शूट तो नहीं कर पाए, लेकिन आपको बता देते हैं हमारे फ्लोर पे बहुत भयंकर आग लग गई। मैं मीटिंग से भाग के आया हूँ, संभावना तीनों डॉग्स को लेके नीचे उतरी है, पूरी बिल्डिंग वैकेट हो गई। देखो फायर ब्रिगेड की भी आपको आवाज आ रही होगी, और सामने वाले घर में आग लग गई। और जब तक मैं बेटा रुक जा, जब तक मैं कुछ कर पाती, सामान निकाल पाती, तब तक एक ब्लास्ट हुआ बहुत बड़ा, और वो ब्लास्ट होने के बाद हम लोग सीढ़ी से सिर्फ भागे हैं। बहुत मुश्किल, आप देख रहे हो आवाज भी आ रही है, और थैंकफुली किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमारे सामने वाले घर में आग लगी, पूरी वॉशिंग मशीन है उनकी ब्लास्ट हो गई। अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे, पानी बुझा दी है, वन से आग बुझा दी है, और विनाश वापस जा रहा है, हमारे यहाँ पर सब सेफ है। लेकिन बच्चों को नीचे ले जा रहे हैं, मैं 12 माले सीढ़ी से उतरी, मेरी हालत खराब हो गई, और मैं फिर सीढ़ी से 12 माले ऊपर भाग के आया। हम लोगों ने, कई लोगों ने मिलकर आग बुझाई, फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड आ गई, लेकिन अब आग कंट्रोल में है। तो मैं भी अपनी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, और संभावना आगे कंटिन्यू करेगी। मैं आपको बता नहीं सकती हमारे साथ क्या हुआ अभी। मैं भी जरा जा रही हूँ, तुम जाओ, मैं उनके घर पे जाके आती हूँ। तुम उनके घर में गए थे ना ऊपर, देखो पूरा काला काला हो गया, तुम्हारे काला लग गया सारा, तो इतना धुआं, इतनी राख, पूरा फेफड़ों में धुआं ही काला काला घुस गया। उनके कैट्स अंदर ही बंद थे पता है। हाँ मैं कैट्स वही देखने जा रही हूँ, इनकी चार कैट्स हैं। अब कह रहा है अविनाश ने देखा अंदर जाके, तो कैट के कुछ निशान वगैरह था। मैं देखने जा रही हूँ कि उनको भी चोट वोट तो नहीं लगी है, लेकिन वो सोचो कैट्स को लेकर कैसे भागते। बच्चे भी थे, और मेरे को भी रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि कोको को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, कैंडी को उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, हम चेरी को तो वैसे ही उठा के भागे हैं सिर्फ। बहुत सारे ये ब्लास्ट हुआ है ना, ये ब्लास्ट हुआ है पूरा, सब सब सेफ है ना, सेफ है ना। अच्छा इनका ये भी माइक्रोवेव वगैरह भी गया। हाँ सब पूछ गया, सब घर में थे इसीलिए तो पकड़ा गया जल्दी। हाँ सब लोग घर में थे जब ये हुआ है। सो जी आज का व्लॉग शुरू तो बहुत अच्छे से हुआ था, लेकिन इतना टेंशन में आ गए ना हम दोनों जो हमारी बिल्डिंग में हुआ, हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं। एंड आई थिंक आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आपको मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से पूरी एनर्जी ऐसा रिलीज हो गई, इतना टायर्ड फील हो रहा है। 12 माले चढ़ चढ़ के उतर उतर के, लिफ्ट बंद थी ना, वो गैस सिलेंडर्स वगैरह पकड़ पकड़ के, क्या था वो आग बुझाने वाले सिलेंडर। मैं गैस सिलेंडर बोल रही हूँ, गैस सिलेंडर से तो आग लगती है बेबी। सॉरी बेबी, समझ नहीं आ रहा क्या। देखो अभी भी काली काली राख लगी हुई है पूरी। और पता है इस चक्कर में मैंने तुमसे ये भी नहीं पूछा कि मैंने जो इतना तैयार किया था वो कैसा लग रहा था।